और कंपनी का खर्चा भी बचा सकते हो। तो चेक करके भी दिखाओगे इसको? ओके, टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, कुछ चीज आपको दिखाना भी चाहिए। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपका फिर से वेलकम है आज के मेरे नए वीडियो में। और ये इंजीनियर, ये इनका नाम है, क्या नाम है आपका? पुष्पिंदर है। और इनका नाम क्या है? मोहित इनका नाम है। तो ये चिमनी का रिपेयरिंग और सर्विस और सारी चीजें करते हैं। तो आज हम उसको रिलेटेड एक ना टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, कुछ चीज आपको दिखाना भी चाहेंगे और बहुत ही हेल्पफुल है। जो नए नए टेक्नीशियन अभी फील्ड में आ रहे हैं तो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। और आज इसमें हम बात करेंगे कि पीसीबी जो होती है हमारी खराब हो जाती है तो हम उसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के अंदर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। सुनील, वैसे तो आप इसको जानते होंगे, फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे भाई। मेरा नाम सुनील है, मैं पीसीबी रिपेयर करता हूँ, सारा कुछ मैं ही देखता हूँ यहाँ पे पीसीबी रिपेयर। और मोटर वगैरह भी करते हो? लेकिन आज हम पीसीबी के बारे में ही बात करेंगे। थोड़ा सा शोर आ रहा होगा पीछे से, प्लीज आप लोग ना अवॉइड करना। तो ये पीसीबी है, इनका डेस्क है, पहले मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से इनका डेस्क है जहाँ पे ये पीसीबी वगैरह रिपेयर करते हैं, जो टेक्नीशियन पीसीबी लेके आते हैं। तो अब बताना है क्या इसमें प्रॉब्लम है और क्या करोगे आप इसके अंदर? ये सर डीसी मोटर की प्रॉब्लम आ रही है, ये रिले खराब हो जाती है। ओके, इससे ये रिले चेंज कर देंगे तो डीसी मोटर ठीक हो जाएगी। तो इसमें पार्ट चेंज हो जाता है? जी सर। और फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं सर, नहीं आती। नहीं। तो अभी आप बता रहे हैं कि इसमें कोई डीसी मोटर है जो चल नहीं रही है। हाँ सर। उसके लिए आप ये रिले होती है? हाँ सर, ये 10 एम्पीयर की रिले है, ये इसमें 7 एम्पीयर की रिले लगा देंगे ठीक हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पीसीबी है, इसके अंदर ना रिले है, ये खराब हो गई है। ये 10 एम्पीयर की बता रहे हैं, इसके अंदर लगी हुई है, और आप 7 एम्पीयर की लगाओगे? जी सर। ओके, तो जब ये रिले चेंज हो जाएगी तो ये पीसीबी प्रॉपर काम करने लगेगी। चलो देखते हैं कैसे ये करते हैं इसको। तो अब देखो, आपने आप देख रहे होंगे यहाँ से ना, ये दोनों रिले थी, इन्होंने निकाल दिए हैं, अभी दूसरी रिले लगा रहे हैं इसके अंदर। तो चेक करके भी दिखाओगे इसको? जी सर। ओके, तो जो अपने नए नए टेक्नीशियन है जो चिमनी और चूल्हे का काम करते हैं, तो वो लोग ये देख सकते हैं, इससे ना बड़ी हेल्प मिलेगी आपको। और ये जितनी भी रिले होती है मार्केट में अवेलेबल होती है, ज़्यादातर पीसीबी की रिले मार्केट में मिल जाती है, तो आप उसको लाके आप उसको रिपेयर कर सकते हो और कंपनी का खर्चा भी बचा सकते हो। ये देखो, अभी इसमें सोल्डरिंग चल रही है अभी ना, जो कितना बारीकी का काम है, बिल्कुल हाथ ना सदा रहना चाहिए इसके अंदर ना। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल हाथ देखो इनका कितना सेट है ना, ये करके इनको ना आदत हो गई एक्चुअली। अब ये देखो, ये ना रिले हमने चेंज कर दी है, मैं पीसीबी दिखा देता हूँ आपको। ये पीसीबी है, ये इसकी रिले होती है, और आईसी बोलते हैं इस वाली को, ब्लैक वाले पोर्शन को, ये आईसी होती है। और बाकी ये सारी चीजें क्या होती है? रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर बोलते हैं इसको, ये ट्रांजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंट बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ये आपका कैपेसिटर हो गया, ये छोटी वाली ये आपकी आईसी हो गई, ये आपका रिले हो गया, ये डायवर्ट होते हैं, और ये छोटे छोटे वाले होते हैं जो ये ब्लैक कलर के जो होते हैं, ये डायवर्ट होते हैं हमारे, ठीक है ना। अब जरा इसको चेक करके भी दिखा दो एक बार जरा। अब इसको चेक करने के लिए ना हमने पूरा सेटअप बना रखा है इसका ना। तो इसमें क्या है, ये देखिए, ये पीसीबी हो गई, ठीक है, ये इसका मेन पीसीबी हो गई, ये आपका टच पीसीबी हो गया, ये आपका मोटर हो गया डीसी मोटर जिसको 12 वोल्ट की सप्लाई जानी थी, ठीक है, और ये हो गया इनका एक्सटेंशन रॉड। अब एक्सटेंशन रॉड इन्होंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, अब इसको ये बोर्ड में लगा देंगे। तो इस तरीके से, मतलब मोटर है नहीं यहाँ पर, लेकिन ये पूरी चिमनी एक तरीके से इंटरनल उसका पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो अब ये देखो, इसको ऑन कर दिया, अब ये देखो टच पीसीबी है, जैसे आप मान के चलो हम चिमनी को चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें लाइट नहीं चलेगी? ये ऑफ है ना अभी। अच्छा, ऑफ है। अब ये देखो, ये मोशन जेस्टर से ये हमारी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, अब इसमें फर्स्ट स्पीड आ गई है, ठीक, अब सेकंड स्पीड चलाएंगे तो हो जाएगा, इसमें ये सेकंड स्पीड हो गया, और ये हो गया हमारा थर्ड स्पीड आ गया इसके अंदर। और ये डीसी मोटर को मैं टच करके देखूंगा तो पता चल जाएगा बंद हो रही है, ये देखो मेरा हाथ घूम रहा है इसके साथ, यानी ये पीसीबी रिपेयर हो गई है। तो ये देखो, छोटा सा काम था, हार्डली कितना टाइम लगा होगा इसमें आपको?
ओनली 5 से 10 मिनट का टाइम लगा और ये देखो हमारी पीसीबी रिपेयर हो गई है। मतलब इंडिया के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बस खोजने वालों की पारखी नज़र होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बिग थम्स अप टू मिस्टर सुनील, इन्होंने बहुत अच्छा क्या कहते हैं हमें क्या कहते हैं गाइड किया, और होपफुली आगे भी मैं इस तरीके की वीडियो आपको दिखाता रहूँगा। और ये छोटी छोटी सी ट्रबल शूटिंग है, अगर कोई भी टेक्नीशियन इसको देखेगा तो आगे उसको फ्यूचर में ना बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छी ऐसी वीडियो के साथ। ओके टाटा बाय 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 बाय।